तो हेलो डियर कैंडिडेट, जय हिंद। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अन अकेडमी पर आजकल डेली क्लासेस चल रही हैं और बिल्कुल डिटेल में चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, साइंस हो या फिर इंग्लिश की, ठीक है। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, जाकर के फॉलो कर लीजिए। देखिए, सिर्फ फॉर्म डाल देने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक आप डिटेल तैयारी नहीं करोगे अच्छे तरीके से, क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हो इतना हाई जा रहा है। तो तैयारी नहीं रहेगी तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, अन अकेडमी का फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। जब कभी भी क्लासेस चलती हैं, आपको वहाँ पे जो है मैं लिंक शेयर कर देता हूँ क्लासेस का, या फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो फटाफट जो है फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, जो नए कैंडिडेट हैं कोस्ट गार्ड, यानी इस बार कोस्ट गार्ड में जो नए कैंडिडेट हैं जो फॉर्म डालने वाले हैं, वो अभी भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज हैं कि क्या एग्जाम में आता है, क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं, दोनों एग्जाम में एक टाइम पे होता है सेक्शन वन सेक्शन टू या फिर अलग अलग होता है, लैंग्वेज क्या रहेगी आपके एग्जाम की। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे जो है ऐसे मैसेज आए हुए कि सर प्लीज़ एक बार इस पर वीडियो बना दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। तो आज मैं आपको कंप्लीट सिलेबस ही दिखा दूंगा, जो कि खुद के जो है सिलेबस, और साथ में सिलेबस तो आप देख लेना, खास के मैं आज सैंपल पेपर आपको दिखाने वाला हूँ जो खुद की इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। तो देख लो, बिल्कुल उसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आइए चलिए फटाफट देखना शुरू करते हैं, ठीक है। कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट पे आने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर पे, अगर फोन पे खोलते हो तो 3 डॉट करके यहाँ पे मेन्यू मिलेगा, वहाँ से सिलेक्शन प्रोसीजर पे चले जाना, ज्वाइन ICGET इनरोल करके इस पर आ जाना, ठीक है। इसको नीचे लेकर के आ जाओ, और यहाँ पे जिस पे भी आप जाओगे, चाहे GD हो, DB हो, यांत्रिक हो, जिस भी में आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो उस पर आपको जाना है। जैसे मान लो अगर आप GD का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इस पे आ जाओ। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो आप देख ही लोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच कर लोगे। साथ में यहाँ पे आपको लास्ट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यही आपका मेन है। सिलेबस वगैरह भी यहाँ से आप देख लेना कि दो सेक्शन में, ये आपका सेक्शन 1 है नाविक जनरल ड्यूटी का, और ये आपका सेक्शन 2 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। बाकी हमको सबसे मेन चीज़ क्या देखना है, ये देखना है नाविक जनरल ड्यूटी का जो है सेक्शन 1 का मॉडल पेपर और साथ में सेक्शन 2 का मॉडल पेपर। तो सेक्शन 1 में अभी मैं सब कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या कैसे पूछा गया। जैसे देख लो, इसमें क्या दिया गया कि जो आपका सेक्शन 1 है उसमें आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। जो 60 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल आपको टाइमिंग होगी 45 मिनट की, 45 मिनट में 60 क्वेश्चन सेक्शन 1 में आपको करने होंगे, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, नीचे आ जाओ, 20 क्वेश्चन लगभग आपके मैथ के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके साइंस से होगा, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से होगा, और वहीं 5 क्वेश्चन GK से होगा, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के हो गए, टोटल 60 क्वेश्चन। और अब जो है, यदि आप जब सेक्शन 1 कंप्लीट कर लेते हो, आपने GD में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो अब कुछ कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से सेक्शन 2 शुरू होता है। अब कुछ कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर GD और GD का जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है दोनों एक ही दिन होगा? तो भाई बिल्कुल सेम टाइम पे दोनों पेपर होगा। जैसे आप सेक्शन 1 कंप्लीट करोगे, सेक्शन 1 सबमिट करने के बाद ठीक 5 मिनट के अंदर अंदर आपका सेक्शन 2 का पेपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 में भी देख लो, आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लें भाई, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला आपके एग्जाम में, किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहने वाला है। अब आप ये लैंग्वेज देख करके सोच रहे होंगे कि लग रहा है कि सिर्फ इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा, तो इसके लिए भी आप परेशान मत हो, आपका जो पेपर है वो बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है, हो सकता है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके एक बार सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल जो इसमें सैंपल पेपर में जो आपका लेवल है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसी लेवल पर आपको अपनी तैयारी जो है करनी है। रही बात फॉर्म अप्लाई करने का, तो मैंने देखा है कि फॉर्म का डेट जो है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो हमने 13-14 में देखा था, जो दूसरी वेबसाइट से नोटिफिकेशन मिला था, उसमें डेट चेंज था। फिलहाल डेट चेंज हो चुका है नोटिफिकेशन का, तो डेट नया डेट क्या है ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। नया डेट क्या है आपका, 5 तारीख से, ठीक है, 5 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 5 जनवरी to 19 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज़ कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म भरने के लिए, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी मैंने आपको बता दिया वो सारे डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए, और ठीक है। और रही बात तो अपना सिलेबस का, तो सिलेबस भी आप देख सकते हो, GB DB हो, GD हो, यांत्रिक हो, सबके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस भी दिया है, इससे बाहर तो कुछ पूछा जाएगा नहीं, ठीक है। और साथ में जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह भी देख लो, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये भी आप देख सकते हो, कंप्लीट आपको यहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, कहीं आपको कुछ भी बाहर से देखने की जरूरत
नहीं है, किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और रही बात भाई देखो ये सब चीजें तो बाद में आती है, सिलेबस हो गया, मॉडल पेपर हो गया, ये सब बाद की चीजें हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है, तैयारी नहीं किए रहोगे तो फिर आपके जो है फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हो, कट ऑफ जो है अनएक्सपेक्टेड, मतलब जहां तक आप सोच भी नहीं सकते वो कट ऑफ लग रही है। तो तैयारी करो, आपकी अनअकैडमी पर भी जो है डिटेल क्लासेस चल रही हैं, फिर 2 तारीख से आपकी मैथ की भी क्लासेस मैं शुरू करवा दे रहा हूँ, सेक्शन वन की। इंग्लिश भी मैं 1 तारीख से शुरू करवा दे रहा हूँ, तो सारी क्लासेस आपकी चल रही है, क्लासेस आप देखो, ठीक है। अपनी तैयारी को जो है खुद सेल्फ स्टडी भी बैठ के करो, किताबें ले लो, ठीक है, किताबें वगैरह आपको मिल जाएंगी, आप खुद, आपके पास मेरा नंबर, आप संपर्क करके किताब ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगर कुछ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए धन्यवाद आप सभी को।